एस्कलेपियस वेलनेस की 8वीं वर्षगांठ पर भारत में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर राजधानी भोपाल में एक अवेयर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। एस्कलेपियस वेलनेस द्वारा लोगों की बेरोजगारी हटाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करके घर बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। बता दें कि एस्कलेपियस वेलनेस में कई लोग अभी कार्य कर रहे हैं तथा विशेष रूप से महिलाएं भी कार्य कर रही है। एस्कलेपियस वेलनेस परिवार का मानना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे लोगों के शरीर की भी देखभाल होती है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। राजधानी में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव सर, सलमान सर, मंजीत मैडम, मीरा मैडम, सपना मैडम, सीमा मैडम, अतुल सर, सपना डाबी तथा पंकज सर आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर सफलता के मंत्र बताए। मेरा नाम सलमान खान है और आयुर्वेदिक संस्था के साथ वर्क कर रहा हूँ। लोगों को अच्छी एक हेल्थ के बारे में और नेचुरल वे से ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी संस्था इस काम को पिछले 8 साल से कर रही है और मुझे भी इस साल संस्था में 2 साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं हज़ारों लोगों की हम लोग हेल्प कर चुके हैं अच्छी हेल्थ वाइज। सर, किस प्रकार के उत्पादन अपने यहाँ मौजूद है? सर, हमारे पास में आयुर्वेद प्योर आयुर्वेद के उत्पाद अवेलेबल हैं और जिसमें हम लोग 7 सेक्टर पर काम कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर जिसमें हम लोग मेडिसिन पे काम करते हैं, इसके अलावा है हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स यानी स्किन प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हमारे पास में है ओरल केयर के प्रोडक्ट्स जैसे टूथपेस्ट वगैरह, इसके अलावा हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, इसके अलावा हमारे पास में मेकअप मंत्र के प्रोडक्ट्स हैं जो आज के टाइम पे पार्लर वगैरह में यूज़ होते हैं। अभी तक होता यह था कि जो केमिकल वाले सप्लीमेंट्स वगैरह जो मार्केट में आते थे वो इन फ्यूचर जाके कैंसर भी बना देते थे वो स्किन का, तो अभी हमारी जो संस्था के जो उत्पाद हैं वो नेचुरल है और प्योर आयुर्वेद है। हमारी संस्था के पास जो सर्टिफिकेट है वो आयुष का सर्टिफिकेट भी हमारी संस्था के पास में है जो कि एकदम नेचुरल सप्लीमेंट्स जो है बताता है। इसके अलावा हम लोग एक सेक्टर में और काम कर रहे हैं, हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे भारत की और वो है एग्रीकल्चर, यानी कि गलत तरीके से खेती का होना। हमारी संस्था एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है जिसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और गाँव में इसी तरीके के शिविर लगा के हम लोग और सिटी में शिविर लगा कर और लोगों को बताते हैं कि जो हमारी 5 साल पुरानी पद्धति है यानी कि आयुर्वेद, उसको हमें अपनाना है और समय और पैसा दोनों बचाना है। और हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग कितना हेल्थ की वजह से परेशान हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला है जो भारत की हमारी आज की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक है बीमारी और एक है बेरोजगारी। तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जब लगा तो ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके थे और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और आप भी देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं या फिर बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, यहाँ तक कि हमारे जो प्रधानमंत्री तक हैं, वो भी एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आयुर्वेद अपनाओ और समय और पैसा दोनों बचाओ। साथ में एक काम को और वो प्रमोट कर रहे हैं जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो होता क्या है कि संस्था के जो एक्स्ट्रा खर्चे होते थे, कंपनी के जो हमारी एक्स्ट्रा खर्चे होते थे यानी एडवर्टाइजमेंट और आपका हेड ऑफिस वगैरह बनाने का और जो बीच के बहुत सारे खर्चे होते हैं, 7 तरीके के खर्चे होते हैं जो कि 30-40% का जो प्रोडक्ट्स होता है मार्केट में आपको और हमको मिलता है वो 100% में। और हमारी संस्था ने क्या किया, बीच के खर्चे बचाकर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता था हमारे मेडिसिन का, लेकिन होता क्या है जो उनको अमाउंट दिया जाता वो कहीं ना कहीं हमारे साथ इस संस्था में जुड़कर जो लोग आगे हेल्प करते हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो 70% का बेनिफिट्स हमारी संस्था के MD साहब संजीव कुमार सर वो आगे बढ़ा देते हैं। तो एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा संजीव कुमार सर जिन्होंने इतने दिल से इस संस्था को बनाया है जो कि ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे SLPS वेलनेस नाम आ गया है। तो MD साहब हमारे आर्मी बैकग्राउंड से हैं और देश की रक्षा करी उन्होंने 15 साल और उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि बॉर्डर पर रहकर तो उन्होंने देश की सेवा करी है, लेकिन अब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं भारत में रहकर बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम करूंगा और आज की डेट में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है इस प्रोडक्ट को यूज़ कर और इस संस्था में काम करके पैसा कमाकर और करोड़ों जिंदगियां आने वाले टाइम में बदलाव की तरफ जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ये सारी चीज़ें हमारी संस्था के माध्यम से मिलती हैं और संस्था की जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये रिजल्ट बेस्ड हैं। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे माध्यम से बहुत से लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है और देखा जाए तो बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। आज मैं बात करूँ तो बहुत सारे लगभग
मैं बोलूँ तो मेरे एक अकेले के काम करने से, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, आज देखा जाए तो मेरे अंडर में भोपाल में ही और मिला के सीहोर में मिला के लगभग 50 से अधिक महिलाएं ब्यूटी पार्लर में प्रोडक्ट्स ले रही हैं और एक अच्छे रोजगार, लोगों को भी रोजगार देते जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनकम अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पूरी ज़िंदगी काम करके भी अकेले रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप पूरी ज़िंदगी के साथ 3 साल मेहनत कर लो, 3 साल अपने साथ लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाओ और हम लोग मिलके काम करते हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हम लोग अकेले जो काम करते थे, आज 3 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और ये आम जनता कैसे आपसे जुड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर, आम जनता के अवेयर होना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम लोगों को रिजल्ट भी दे रहे हैं। और आम जनता को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी पर्सन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में AWPL के बारे में बताता है, तो आप उस पर्सन से ज़रूर मिलें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसकी इनकम के बारे में ज़रूर ध्यान से सुने। और उस चीज़ को कहते हैं ना कि आने वाला समय क्या बोल रहे हैं, उसके लिए हमको अभी से अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बताएं और लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आने वाले समय को यदि ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो आने वाला समय हम लोगों को बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देने वाला है। और 25 साल से मैं जिस काम को कर रहा हूँ, उस काम के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया और 1.5 साल में बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं और डे बाई डे बढ़ता जा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ जो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो नॉर्मल हमको लाइफ में कभी नहीं मिली और ना ही उम्मीद की। लेकिन पिछले 1.5 साल में जो सब चीज़ें मैंने अचीव की, तो यहाँ लीडरशिप मिली, यहाँ सबसे बड़ी बात फैमिली सिक्योरिटी। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव बवेजा है और इस संस्था के साथ काम करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है। और इस 1.5 साल में थाईलैंड टूर मिल गया, मनाली टूर अचीव किया, नैनीताल अचीव किया। इनकम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, फैमिली सिक्योरिटी जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। दोस्तों हेलो, मेरा नाम पंकज सोनी है, जो हमारी संस्था AWPL है और AWPL में हेल्थ और वेल्थ के रूप में काम कर रही है और लोगों को रोजगार भी दे रही है, अच्छा हेल्थ भी दे रही है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं यहाँ अवधपुरी भोपाल में रहती हूँ और SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आज हमारे MD सर, जो कि मिस्टर संजीव कुमार सर हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जिनका उद्देश्य है भारत देश से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना, तो उसी मिशन में हम लोग भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज उन्होंने एक तरह से, मैं कहूँ तो, अगर औषधियों के माध्यम से लोगों को नया जीवन दिया है, तो वहीं रोजगार के माध्यम से लोगों में एक उमंग जगाई है। कई लोग इस कारण खुदकुशी भी कर लेते थे, डिप्रेशन में भी आ जाते थे कि उनके पास कोई रोजगार का अवसर नहीं है, परिवार में खर्चे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो परिवार के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस कारण कई युवा पीढ़ी आज डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। लेकिन आज हमारे MD सर की जो मुहिम है, जिसमें जो भी व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जाहिर सी बात है एक अच्छे रोजगार को प्राप्त करके वो अपनी इन सभी परेशानियों से मुक्त हो सकता है। साथ ही हमारी संस्था का जो फैमिली सिक्योरिटी प्लान है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, ना ही किसी संस्था ने, तो हमारी संस्था का जो फैमिली सिक्योरिटी प्लान है उसमें ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की एक निर्धारित लेवल है जिस पर पहुंच कर अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसका पूरा बिजनेस उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब उसका नॉमिनी काम करे ना करे, लेकिन उसके घर में पैसा जाएगा। यानी कि हमारी संस्था जीवन के साथ तो हमारे साथ है ही, लेकिन जीवन के बाद हमारे परिवार के साथ भी है। क्या करना पड़ेगा आपकी संस्था जुड़ने के लिए, क्या प्लान किस पे कराना सर पड़ेगा? हमारी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है आधार कार्ड के माध्यम से, और फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे 2 बिजनेस सेंटर ओपन होके मिल जाते हैं, जिन पर आपको लोगों को रेफरेंस बेस पे ही यहाँ पे काम करना होता है। आज प्रचार प्रसार हम लोग आम अपनी जिंदगी में भी कर रहे हैं, हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम अपनी जान पहचान के लोगों को बताते हैं और वो लोग खरीद के लाते हैं, लेकिन उसमें आज तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार देना भी कंपनी का एक उद्देश्य है। बिल्कुल सर, और मैं तो ये कहूँगी कि AWPL परिवार से बढ़कर और कोई परिवार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं और टीम वर्क तो हमारा है ही सही, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यही हमारे संस्कार हमारे MD सर से हमें मिले हुए हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, आई एम सपना डागी।
मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा क्या है कि जैसे स्किन ट्रीटमेंट को लेके मेरा एक बहुत वो रहता है कि स्किन को जैसे हम डैमेज स्किन होता है, स्किन पिंपल्स वगैरह, इसी पे मैं वर्क करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब हम कोई भी स्किन प्रोडक्ट तो कोई सी भी क्लाइंट को देते ही है, तो क्यों ना हम एक आयुर्वेदिक का ही प्लान करें और आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट हम दें, ताकि क्या है स्किन पर भी हमें कोई इफेक्ट नहीं जाएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो थैंक यू। ये आयुर्वेदिक का जो है क्या स्किन पे क्या फायदे मिलते हैं? सर बहुत ही प्यारा रिजल्ट है इन प्रोडक्ट्स का, आप बिल्कुल मतलब ट्रस्टेड है प्रोडक्ट इनकी। आप जैसे स्किन की जितनी भी पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम है ना, सबको सॉल्यूशन होगा। एटलीस्ट मुझे खुद को ये प्रॉब्लम थी, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम सोल्व हुई है इन प्रोडक्ट के थ्रू। तो हम चाहेंगे कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करेंगे इसको कि आप इसे यूज़ करें, हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। आप लोग भी ट्रस्ट करती। इस आयोजन में कहाँ कहाँ से लोग सम्मिलित हुए, कौन अतिथि आए? मैं सीमा कवर्ट, मैं सीमा स्मिकोवर की ऑनर हूँ और आज मैं AWPL की जो मेरे गेस्ट हैं सलमान सर, राजीव सर, मिस्टर पंकज सर, सपना डाबी हैं जो कुरावर से हैं, और हमारे प्रेरणा मैम जो भी कुरावर से हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो प्लीज़